आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। विच ऑफ़ द स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रियोल इज करेक्ट बोला गया है कि सेंट्रियोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट चारों में से करेक्ट है पहला है देअर आर टू सेंट्रियोल इन एनिमल सेल विच लाई परपेंडिकुलर टू सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर तो सही है लेकिन टू सेंट्रियोल जो पाए जाते हैं वो सेंट्रोमियर में पाए जाते हैं सेंट्रोमियर में ना कि एनिमल सेल्स में नेक्स्ट है दे हैव नाइन डबलेट्स ऑफ रेडियोली अरेंज पेरीफेरल फाइबर्स लेकिन यहाँ नाइन डबलेट्स नहीं होता है इंस्टेड यहाँ ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं हमारे रेडियल स्पोक्स का नेक्स्ट है सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्टल रीजन ऑफ द सेंट्रल इज़ प्रोटीनेशियस एंड इट इज कॉल्ड हब लेकिन ये जो सेंट्रल पार्ट है ये डिस्टल रीजन में नहीं रहता है ये सेंटर में ही रहता है जो कि प्रोटीन से बना होता है और उसको हब कह कह जा कह, कहा जाता है Next, the centriole forms the basal body of cilia of flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. ये एकदम करेक्ट है क्योंकि सेंट्रियोल जो है ये बेसल पार्ट है जिससे कि हमारे सीलिया या फिर जिससे हमारे फ्लैजेला जो है ये बनते हैं और ये क्या करते हैं इसमें सेल डिवीजन भी होता है जिससे कि नए सेल्स यानी कि जो हमारे सेल्स ज़रूरत है एनिमल्स बॉडी में वो प्रोड्यूस होते हैं ये सेंट्रियोल से तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा उसको हम लोग टिक कर लेंगे ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर